Hello everyone, let us come to exercise 2.6, chapter decimal and fraction, class 7th. Find the product of. First question, आपको product find out करना है. Decimal number है, उसको 10 से, 100 से या 1000 से आपने multiply करना है. अब यहाँ पे एक simple चीज लगती है, आपने बहुत ध्यान देना है कि जब हम 100 से, 10 से या 1000 से multiply करते हैं, मल्टीप्लाई करते वक्त हमारा डेसिमल जो है, क्योंकि यहाँ पे 1111 है, तो आप जब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही रहता है. मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर वही रहता है. तो 1 से जब हम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो सेम नंबर देता है. अब आपने करना क्या है कि इसमें जो ये पॉइंट है इसको मूव करना है टू द राइट साइड. और कितना मूव करना है, जितने यहाँ जीरोस हैं. जैसे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही जीरो है. अब एक ही जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा. उस पॉइंट कहाँ मूव कर जाएगा, आप इसको ऐसे रफ में समझ सकते हैं, 1.31 इंटू 10. तो ये क्या आएगा, 131 यहाँ पॉइंट था, यहाँ से शिफ्ट होके ये यहाँ चला जाएगा. राइट साइड पे हमने लगाना है तो आंसर इज 13.1. सेम वे पे यहाँ 101, अब पॉइंट कहाँ था, यहाँ टू, यहाँ था तो टू डिजिट्स मूव करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा. तो इट इज 101.0, यानी कि 101. नेक्स्ट इज 10 से 257, पॉइंट यहाँ है. फाइन, तो अब आप इसको कहाँ मूव कराएंगे, एक डिजिट राइट साइड से आगे ले जाएंगे. तो दिस इज 257.0, मतलब 0.0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 257. अब यहाँ देखिए 2, यहाँ ये जीरोस हैं. अब 1, 2, 3 1000 से हो रहा है तो 1000 के लिए हम इसको तीन डिजिट राइट साइड पे ले जाएंगे, 1, 2. और यहाँ देखिए एक है ही नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे. तो दिस इज 0020.0, ठीक है. तो दिस इज, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, दिस इज 20. नेक्स्ट इज 537 पॉइंट. अब देखिए 1000 से हो रहा है, 1000 से हमें तीन डिजिट आगे लेके जाना है, ये डिजिट यहाँ 1 ही है तो 1, 2 ये लगा देंगे और पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ. तो दिस इज 537.00 पॉइंट, फिर जीरो. पॉइंट को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा जीरो है तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, और ये भी नहीं लिखते, तो 537.00 डेसिमल जो है ये खत्म हो जाएगा. दिस इज 97 पॉइंट यहाँ है इंटू 100. अब जब इंटू 100 करेंगे तो ये दो डिजिट आगे जाना चाहिए, तो जीरो लगा के यहाँ दिस इज 970. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप सिंपली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए 1.5 × 3, तो पहले आप 15 × 3 करिए, 15 × 3 = 45. अब यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट पुट कर देंगे. सेम वे में 271 × 12, आप क्या करेंगे, 271 × 12 कर लीजिए. तो जब आप 271 × 12 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3252. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, 3252. अब पॉइंट देखिए कितने डिजिट के बाद आएगा, 1 and 2. तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 and 2, यहाँ पॉइंट आप पुट कर देंगे, दिस इज द आंसर. सेम वे 3 × 7.53, 753 × 3 कीजिए, कितना आएगा, 3 3s are 9, 5 3s are 15, 7 3s are 21 and 2 22. अब पॉइंट 1 and 2, तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 and 2, हेयर इज द डेसिमल, 22.59, दिस इज द आंसर. सेम वे 11203 × 8 कर लीजिए पहले. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 89624. और पॉइंट कहाँ आएगा, डेसिमल 1, 2. हम इसको पॉइंट भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं, 1 and the same thing, 1 and 2. तो 1 and 2 यहाँ आपको डेसिमल पुट कर देना है. नेक्स्ट इज इवेलुएट. इवेलुएट मीन्स टू फाइंड द वैल्यू, 3.7 × 0.4. अब इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, पहले 37 × 4 कर लीजिए, 0.4. डेसिमल्स को अब पहले आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. तो 37 × 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज 148. अब देखिए यहाँ डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, एक डिजिट के बाद यहाँ है और एक डिजिट के बाद यहाँ है, तो टोटल कितने डिजिट्स बन गए, 1
एंड दिस वन टू, तो फाइनली हमारा आंसर में टू डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस करें, दिस इज द आंसर। सेम वे जब आप 275 × 11 करेंगे, 275 × 11 कीजिए तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, लेट अस सी, दिस इज 3025 और डेसिमल यहाँ काउंट कीजिए, 1, 2 यहाँ 3, 1, 2 ये और एक ये, दोनों का काउंट करना है, तो 1, 2 and 3, तो दिस इज यहाँ डेसिमल, दिस इज 3.025। थर्ड पार्ट इज 0.08 × 0.53, दैट इज, अब आप इसको पहले 53 × 8 कर लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 4 to 4। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगना है, डेसिमल 1, 2, 3, 4, दो डिजिट यहाँ से, दो यहाँ से, 1, 2 and 3, 4, तो फोर डिजिट के बाद 1, 2, 3 and 4, यहाँ कोई कुछ एक डिजिट कम होता है तो हम जीरो लगा के उसको कंप्लीट करते हैं, दिस इज 0.0424, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स बन गए। ये जीरो जो है ये वैसे ही लिखा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट इज 21.12 × 1.21, दिस इज 2112 × 121। आप देखिए जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 2555 and 2, दिस इज 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, इस यहाँ डेसिमल लग जाएगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वायर इज डिवाइडेड इंटू 15 इक्वल पार्ट्स, एक पीस ऑफ वायर है उसको हमने 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, छोटे पीसेस उसमें से काटे हैं। इफ लेंथ ऑफ वन पार्ट, जो एक स्मॉल पार्ट है उसकी लेंथ ये है अगर, तो आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर यानी कि कटिंग करने से पहले वायर की कितनी लेंथ थी वो बताना, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस दैट इज 15, लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू 2.03 meters, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, एक पीस की लेंथ दी है 15 की निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले पॉइंट को साइड पे रहने दीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3045 meters, अब पॉइंट 1 and 2, तो दिस इज 1 and 2, तो आंसर क्या है 30.45 meter, दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 1 meter ऑफ क्लोथ इज दिस, यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 4.75 meters ऑफ क्लोथ। नाउ लुक, कॉस्ट ऑफ 1 meter ऑफ क्लोथ दैट इज ₹75.80, तो कॉस्ट ऑफ, ये 1 meter की कॉस्ट है, आपको 4.75 meters ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, तो दैट इज 75.80 × 4.75, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7580 × 475, आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके आपको जो मिलेगा दैट इज, दिस इज 3600500, तो यहाँ आपका फाइनली क्या कॉस्ट निकलेगी 3600500, गिनिए डेसिमल के 1, 2, 3, 4, यहाँ से 1, 2, 3 and 4 डेसिमल इज प्लेस्ड हेयर, तो ये कॉस्ट है टोटल। अब देखिए ये जो है 360.05 और ये जो जीरोज हैं ये एक्स्ट्रा हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, तो फाइनली हमारा आंसर आए 360.05, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 4.75 meters ऑफ क्लोथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन MCQs, 1.25 × 10, देखिए 10 में एक ही जीरो है तो डेसिमल जो है वो राइट साइड पे एक डिजिट चला जाएगा, दिस इज 12.5, सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ x × 100 इज इक्वल टू 135.72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि पॉइंट दो डिजिट आगे चला गया होगा, तो ऑब्वियसली दो डिजिट यहाँ पॉइंट होगा, 1.3572 होगा, जब हमने इसको 100 से किया तो ये पॉइंट टू डिजिट शिफ्ट करके यहाँ आ गया होगा, तो राइट ऑप्शन इज 1.3572, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 1.5 × 8 इज 1.5 × 8, पॉइंट को पहले भूल जाइए, आप इसमें लगाइए 120
एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 12.0. 12.0 मतलब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स 12. तो दिस इज सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो. जीरो को हम जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा आंसर जीरो ही आता है. तो ट्रू इज द राइट ऑप्शन, दिस इज ट्रू. ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 10, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड. तो यहाँ क्या रॉन्ग है, लेफ्ट साइड नहीं, वो राइट साइड पे जाता है. हम हमेशा राइट को जाते हैं ना, तो यहाँ लिखा है लेफ्ट. तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.6 स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यह दो वीडियोज मैं तुहाडे लई होर सिलेक्ट कीतियां, उम्मीद है तुहानू यह भी पसंद आ गया. नाल ही तुहाडे नाल संबंधित प्ले लिस्ट भी मैं अटैच कर दी है. उम्मीद है तुहानू मेरे वालों कीतियां जाण वालियां एफर्ट्स जरूर पसंद आ रही होणगियां. चैनल नू सबसक्राइब जरूर करोगे. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो विच.